और अब विस्तार से बात करेंगे केदारनाथ से जुड़े मामले की। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद कई पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं और इस दौरान कई तीर्थयात्री भी फंस गए हैं जिनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के भी कई यात्री हैं जो केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे और अब तबाही में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र के कुल 61 लोग एक बस तथा अन्य चारपहिया वाहन लेकर केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे और अब ये लोग लैंडस्लाइड के चलते वहां पर फंस गए हैं। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर एयरलिफ्ट कराने की बात कही है। 51 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। शेष यात्री केदारनाथ क्षेत्र में ही है और सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की कोशिश ये है कहीं किसी के यात्री को किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी धार्मिक यात्रा के दौरान वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण ये घटना हुई है। सभी यात्री कुशल क्षेम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर रुद्रप्रयाग सुरक्षित पहुंचाया गया है। इसके अलावा 10 यात्री केदारनाथ में ही हैं लेकिन सुरक्षित जगहों पर हैं। प्रशासन लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। मुझे बताया गया कि आज चार धाम की यात्रा पे गए लोग खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे किनारे आप देख सकते हैं। केदारनाथ यात्रा में फंसे हुए शिवपुरी के बदरवास के यात्रियों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आप सभी को सुरक्षित घर वापस लाऊंगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उत्तराखंड के सीएम और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी फोन पर बातचीत की। उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का आग्रह वहां के प्रशासन से, एनडीआरएफ से और सीएम से किया है। 15 तो लगातार जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इसी बीच सिंधिया ने बातचीत भी की है अधिकारियों से। सभी लोग को मेरे तरफ से आपकी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूं, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। सभी लोग को मेरे तरफ से आपकी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूं, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। सभी लोग को मेरे तरफ से आपकी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूं, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। अगली खबर का रुख करेंगे। 15 अगस्त जैसे मौके पर पुलिस वालों की टीम को बैंड बजाते आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी पुलिस वालों का बैंड बजते सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के पुलिस जवानों को 15 अगस्त के दिन परेड में बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी जानी थी। सीएम का आदेश आया था कि हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना की जाए, जिसके बाद जिले के एसपी ने अपने अपने पुलिस जवानों को बैंड बजाने के प्रशिक्षण के लिए कहा, लेकिन जवानों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनकी ड्यूटी जनरल कामों के लिए हुई है, ना कि बैंड बजाने के लिए। फिर क्या, अब बैंड बजाने से मना करने वाले करीब 25 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। ये जो जवान है वो मध्य प्रदेश के रायसेन, मंदसौर, खंडवा, हरदा और सीधी जिले के थे। तो वहीं इस आदेश के बाद कई सिपाहियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर और ग्वालियर बेंच में याचिका भी दायर की है। इस याचिका के जरिए कहा गया है कि उन्होंने पुलिस बैंड में शामिल होने के लिए ना तो अपनी सहमति दी थी, ना ही उन्होंने इस संबंध में कोई आवेदन दिया था। वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में रुचि रखते हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस एक अनुशासित बल है और इसीलिए याचिकाकर्ता ये दलील नहीं दे सकते कि वो अपनी सहमति के मुताबिक कर्तव्यों का पालन करने के हकदार हैं। तो वहीं कोर्ट के फैसले के बाद जबलपुर के 3 कांस्टेबलों ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल के बाद एमपी में पुलिस बैंड की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में करीब 330 पुलिसकर्मी बैंड के सदस्य के रूप में प्रशिक्षित हुए हैं। ये सभी स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न जिलों में प्रस्तुति देंगे। और अब इस पूरे मामले को लेकर
सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने पर सवाल खड़े किए हैं। जब पुलिस वालों से उनके स्वभाव के विपरीत काम कराया जाएगा तो इस तरह की अनुशासनहीनता तो होगी ही। उधर बीजेपी का कहना है कि ये पुलिस का अंदरूनी मामला है, नियम और अनुशासन के मामले में कार्रवाई की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिपाही की भर्ती किस काम के लिए हुई है, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो जिस काम के लिए उनकी भर्ती हुई है उसके अलावा दूसरे काम उनसे क्यों लिए जा रहे हैं? अब वो कह रहे हैं हमसे बैंड बजाना नहीं आता, हम ये काम नहीं करेंगे, तो आपने उन्हीं की बैंड बजा दी। नियम बने हैं या कोई भी अनुशासन का मामला और कोई अनुशासनहीनता कहीं सामने आती, कहीं नियमों का उल्लंघन आता है, कहीं आदेश के पालन के परिप्रेक्ष्य में भी कोई इस तरह का निर्णय लिया जाता है, तो ये उनका विषय है। निश्चित तौर पर हर विभाग के अंदर अनुशासन जरूरी है, आदेश का पालन जरूरी। यदि किसी प्रकार के आदेश की अवहेलना हुई या नियम टूट रहे हैं या यदि अनुशासन बिगड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। जबलपुर की बात करेंगे, चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर रामकुमार नाम के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित के परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया गया था और इस बात से दुखी होकर उसने ये दर्दनाक कदम उठाया। पुलिस को उसके पास से जो सुसाइड नोट मिला है उसके मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई है। परिजनों ने बताया कि मृतक के बेटे ने दूसरी जाति की लड़की से शादी की। इसी बात को लेकर समाज ने परिवार पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद समाज ने एक बैठक की, इसमें फैसला लिया गया कि इस परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। अगर कोई इस परिवार के सुख दुख में शामिल हुआ तो उसके परिवार को भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार के सामने शर्त रखी, दोबारा शामिल होना है तो 2 लाख रुपए चाहिए। कई बार समाज के सदस्यों की बैठकें हुई लेकिन परिवार को स्वीकार नहीं किया गया। यहां तक कि उसके परिवार में समाज के लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। रामकुमार को उसके बेटे की शादी को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा और इससे दुखी होकर रामकुमार ने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने पनागर थाने में सुसाइड नोट के आधार पर एक FIR दर्ज करवाई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी हुई 2-3 लोगों से, जैसे फूल सिंह है और गोवर्धन पटेल है, शिवनाथ है, इनके मामले में हमने सुना है कि ये लोग बहसबाजी करते हैं, बाद विवाद के कारण इन्होंने ये काम किया है और साथ में टाटू भी। समाज में शामिल को करने को लेकर इस विषय का कुछ मामला ऐसा सुनाई में जी हाँ, क्या है पूरा बताएं विस्तार। वो समाज में ये बोल रहे थे कि हमको पैसा दो तभी हम समाज में आपको ला सकते हैं। आज ग्राम निभौरी से सूचना आई थी कि रामकुमार लोधी नाम के व्यक्ति ने कोई जहरीली वस्तु का सेवन किया है, जिस पर हमारी टीम गई और देखा तो वो मृत अवस्था में मिला, PM कराया गया है। उसके जेब से एक पत्र मिला है जिसमें एक महिला का राजवती का नाम है और फूल सिंह लोधी, गोवर्धन, सोमनाथ और टट्टू साहू छतरपुर गांव के, इनका नाम लिखा है उसमें कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं ये उल्लेख नहीं है, ये जांच का विषय है, उसमें जांच करेंगे, जांच के उपरांत जैसी वैधानिक कार्रवाई हुई की जाएगी। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, विशुद्ध रूप से 2 लाख की लूट से कहा जाना चाहिए, जब सुसाइड नोट है तो पुलिस की कार्रवाई की रफ्तार थोड़ी और तेज भी होनी चाहिए। पवन, बिल्कुल ललित, ये लूट के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का भी मामला सामने आता है जिसमें समाज के जो ठेकेदार है, जो कथित ठेकेदार है, जिसमें कोई ऑथेंटिक नहीं है कि वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं, और वो भी दूसरी लड़की से शादी की, जाति के लड़की से शादी कर ली, ये कोई अपराध भी नहीं है। कानून भी इसकी मान्यता देता है कि अगर बालिग तो वो कहीं भी शादी कर सकते हैं। ऐसे मामले में समाज के इन ठेकेदारों द्वारा जिस तरह से गवाह बनाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, खाना पीना बंद कर दिया था, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, कहीं ना कहीं गंभीर मामला है, पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी गांव वालों की भी मांग है, परिवार की भी मांग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। छतरपुर का जिक्र करेंगे, यहां से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ ही 4 लोगों की कुएं की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई। सबसे पहले एक शख्स कुएं में हथौड़ा लेने उतरा, जब वो नहीं लौटा तो एक के बाद एक 3 और लोग भी कुएं में उतरते चले गए। सभी का वही दम घुट गया। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।
पुलिस ने चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद एक तरफ परिवार में कोहराम मचा है, दूसरी तरफ पूरे इलाके में मातम है। एक ही परिवार के पिता, बेटे और भतीजे की मौत हो गई। लाशें बाहर आते ही घर वालों में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस उस मामले की पड़ताल कर रही है। में जहरीली गैस थी, तो एक लोग उतरे, एक लोग के साथ तीन लोग और उतरे बचाने के लिए, उसी में तीन लोग गैस कारण खत्म हो गए। अब साफ सफाई करना था। अब हम लोग तो बाहर जैसे काम वाम करके आए थे, मालूम नहीं था, जब देखे तो वहाँ तीन चारों लोग डले थे उसी में। तो कुइया कई दिनों से ढकी थी, क्या था? नहीं ढकी नहीं थी, लेकिन बाकी उसमें पानी आनी नहीं था। साफ सफाई करने के लिए उतरे तो एक के बाद एक उतरता गया, जैसे एक उतरा बचाने के लिए तीन लोग और गए तो वो भी। ये नौगांव सब डिवीजन में गढ़ी मरेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है कुर्राहा, वहां का एक ये मामला सामने आया है जिसमें कुएं में जाने से चार लोगों की डेथ हुई है और अस्पताल में तस्दीक की जा रही है। पूरी टीम मेडिकल की भी और पुलिस की भी वहाँ पर है और ओपिनियन आने के बाद ही एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मर्ग भी कायम किया जा रहा है और उसकी विधिवत जांच की जाएगी। अगली खबर हाईकोर्ट के झटके की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक दर्जन से ज्यादा निजी स्कूलों को दे दिया है झटका। कई निजी स्कूलों ने याचिका दायर कर कहा था कि जिला कमेटी की ओर से उनके स्कूल की फीस निर्धारित की गई है और बढ़ाई गई फीस वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर की गई कार्रवाई को सही ठहराया, स्कूलों की याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की कोर्ट में 8 निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें निजी स्कूलों की तरफ से अधिवक्ताओं ने यह पक्ष रखा कि जबलपुर जिला कलेक्टर के द्वारा की गई कार्रवाई नियम अनुसार नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जबलपुर में 11 प्राइवेट स्कूलों को फीस लौटाने के आदेश दिए गए हैं। इन स्कूलों पर अतिरिक्त वसूली की गई फीस की 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निकली है जो कि अभिभावकों को वापस करनी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में प्राइवेट स्कूल राज्य फीस निर्धारण कमेटी में जाकर अपील कर सकते हैं। जबलपुर के करीब 240 प्राइवेट स्कूलों में नियमों के खिलाफ जाते हुए फीस वृद्धि की। पहले चरण की जांच में 11 स्कूलों को लिया गया। और अब बात मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर की करेंगे। अब बीमार लोगों को घर पर ही इलाज की सुविधा मिलने वाली है। बताया ये जा रहा है कि मौसमी बीमारियां और कम गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर अब आपके घर पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार आयुष आपके द्वार योजना के जरिए मरीजों का उनके घर पर ही इलाज और दवा मुहैया कराने जा रही है। खास बात यह है कि 25 दवाओं की एक किट मुफ्त में दी जाएगी। दरअसल होम्योपैथी चिकित्सालय भोपाल के अधिकारियों ने यह सुझाव देते हुए आयुष विभाग को पत्र लिखा था। अब विभाग ने इसे सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। अब इस प्रोजेक्ट को प्रदेश भर में चलाए जाने के लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। भोपाल होम्योपैथिक कॉलेज के प्रभारी की माने तो होम्योपैथिक, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के छात्रों के साथ ही आशा, उषा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी और जिला स्तर पर आयुष विभाग इसकी निगरानी भी करेगा। क्या फायदा होने वाला है? सर, संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि आयुष चिकित्सक हर क्षेत्र में जाकर के कैंप लगाएंगे और वहां पर बरसात में होने वाली बीमारियां या अन्य बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उनको उनका पहले तो निदान करेंगे रोग का और उसके बाद निशुल्क होम्योपैथिक उनको औषधि प्रदान की जाएगी। ये पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। जो महाविद्यालयों के क्षेत्र में आते हैं वहाँ महाविद्यालय के छात्र जाएंगे और जो जिला स्तर पे है, छोटी जगहों पे है जहाँ पे आपकी आशा कार्यकर्ता हैं या कोई स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं उनके माध्यम से हमारी विभिन्न रोगों के लिए एक औषधि की किट प्रदान की जाएगी जो उनको किसी समस्या जो समय की है उससे वो औषधि ले सकें और ये पूर्ण तरह से निशुल्क है। बीजापुर का जिक्र करते हैं जहां पर 2 महीने पहले बनी गंगालूर से नीलसनार की सड़क पहली बारिश में ही बह गई।
20 से 30 किलोमीटर लंबी सड़क में पुलिया भी बनी थी। करीब 56 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी थी। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इसकी लागत करीब 112 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन पहली बारिश में ही ये सड़क बह गई। अब इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों में खासी नाराजगी है। चंद्राकर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कांग्रेस शासन काल में किया है। विकास की राह भ्रष्टाचारियों को क्यों पना? देखिए, कोई भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। आप लोग देख रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का तांता लगा है जेल में जाने का। दो महीने पहले सड़क बनी, पहली बारिश की फुहार में भी घटिया निर्माण की पोल खुल गई। तस्वीरों में दिख रही ये सड़क विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को बता रही है। किस तरह पहली ही बारिश में सड़क गायब हो गई, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 56 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को बनाने की बात कही जा रही है। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार को गुमराह कर सड़क की लागत को 112 करोड़ रुपए कर दिया था। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री से इस मामले की जाँच की मांग की है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि जिस सड़क और पुल पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, उस सड़क और पुल पुलिया के लिए हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा में होते हैं और नक्सलियों के लगाए गए आईडी, और कई बार ऐसे होते हैं कि जब हमारे जवान आरोपी के तौर पर उस सड़क में सुरक्षा देने जाते तो नक्सलियों के फायरिंग में उनकी मौत हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। शहदात पुलिस जवानों के शहदात पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार सुरेश चंद्राकर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कांग्रेस शासन काल में किया है, मैं चाहूँगा कि माननीय विष्णु साई जी उसकी विधिवत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई। जगदलपुर पहुँचे सीएम विष्णुदेव साई ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। सीएम साई ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। देखिए, कोई भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। आप लोग देख रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का तांता लगा है जेल में जाने का, चाहे वो शराब में भ्रष्टाचार किए हो, चाहे कोयला में किए हो, चाहे डीएमएफ में किए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बक्सा नहीं जाएगा। सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच करवाएंगे और दोषीदार कोई बक्से नहीं जाएगा। फिलहाल सीएम ने भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। न्यूज 18 के लिए श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। ओलंपिक्स में एक और मेडल के करीब पहुंच चुकी है मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची है मनु भाकर। तो अब ओलंपिक ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर, एक और खुशखबरी। 590 अंक के साथ फाइनल में मनु भाकर पहुंच चुके हैं। कल दोपहर में होगा 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल। तो पेरिस ओलंपिक्स में दो मेडल जीत चुकी है मनु भाकर और ये एक और बड़ी जीत के करीब पहुंच चुकी है। ओलंपिक्स में एक और मेडल के करीब पहुंची है मनु भाकर। बता दें, 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर पहुंच चुकी है। 590 अंकों के साथ फाइनल में मनु भाकर पहुंची। शूटिंग के तीसरे फाइनल में जगह बना ली। तीरंदाजी में भारत के अंकिता भगत धीरज की मिक्स टीम कुछ देर में क्वार्टर खेलने वाली है, लेकिन मनु पहले ही एक रिकॉर्ड बना चुकी है एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने का, और अब वो तीसरे मेडल के करीब पहुंच रही है। दो मेडल पहले ही जीत चुकी है वो। एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने का भारत का यह पहला रिकॉर्ड है। कल दोपहर में 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल होना है। पेरिस ओलंपिक्स में दो मेडल पहले ही मनु भाकर अपने नाम कर चुकी हैं।
और अब एक और मेडल अपने नाम करने जा रहे हैं। आपको बता दें 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में दो मेडल पहले ही जीत चुकी है। कल दोपहर में होगा 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल और पूरी पूरी जीत की उम्मीद है। ओलंपिक्स में एक और मेडल के करीब मनु भाकर पहुंच चुके हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।